नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयान। लोक जनशक्ति पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद बगावत के सुर उठने लगे हैं। खुद रामविलास पासवान के दामाद अनिल कुमार साधु ने टिकट बंटवारे में पासवान पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। अनिल कुमार ने पासवान के खिलाफ विरोधी रुख दिखाते हुए कहा है कि जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया उन्हें टिकट नहीं मिला। अनिल कुमार साधु ने रामविलास पासवान को धृतराष्ट्र करार दिया है और चिराग पासवान को अहंकारी। एलजेपी के टिकट बंटवारे से नाराज दलित सेना ने एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दलित सेना ने जिलाध्यक्षों की बैठक में रामविलास पासवान के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट किया। दलित सेना ने रामविलास पासवान पर अपने पसंदीदा लोगों को टिकट बांटने और पैसे लेकर उम्मीदवार बनाए जाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने जाने की घोषणा की है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। इसमें वर्तमान में विधायक रहे 14 लोगों का टिकट काट दिया गया है। जेडीयू छोड़कर शनिवार को ही बीजेपी में शामिल हुए सतीश कुमार राय को राघोपुर से मैदान में उतारा गया है। उन्होंने 2010 विधानसभा चुनाव में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को हराया था। इस बार सतीश कुमार राय का मुकाबला लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव से होगा। बीजेपी की 99 उम्मीदवारों की लिस्ट में सीपी ठाकुर और अश्विनी चौबे के बेटे को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के पश्चिमी चंपारण से चुनावी बिगुल फूंका। प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला और उन्हें एक बार फिर फेकू करार दिया। राहुल ने मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार बताया और कहा कि मोदी सरकार को गरीबों और कमजोर तबकों से कोई लेना देना नहीं है। राहुल पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि राहुल गांधी के पास कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए वो नकारात्मकता फैला रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को महागठबंधन में शामिल दलों ने सभी 243 सीटों का बंटवारा कर इसकी सूची जारी कर दी है। आरजेडी और जेडीयू को जहां 101 सीट पर, वहीं कांग्रेस 41 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस सूची में ऐसी कई सीटें हैं जिसके वर्तमान विधायक जेडीयू के हैं, लेकिन गठबंधन के तहत वो सीटें आरजेडी के खाते में चली गई हैं। ऐसे में यह तय किया गया कि वर्तमान विधायकों का टिकट काटेंगे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं। लालू के दोनों बेटों की सीट तय कर दी गई है। तेजस्वी यादव राघोपुर से और तेज प्रताप महुआ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। भोजपुर के जगदीशपुर से टिकट काटे जाने पर वर्तमान आरजेडी विधायक दिनेश ने आत्मदाह की धमकी दी है। आरजेडी ऑफिस में ही अनशन पर बैठे दिनेश ने लालू प्रसाद यादव पर यादवों के हत्यारे और माफिया को टिकट देने का आरोप लगाया है। बिहार चुनाव में 6 राजनीतिक दलों को मिलकर तीसरे मोर्चे के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस मोर्चे का नाम समाजवादी सेक्युलर फ्रंट रखा गया है। इस मोर्चे से समाजवादी पार्टी 85, एनसीपी 40 जगहों पर चुनाव लड़ेगी। जन अधिकारी पार्टी 64 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी पहले ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कांग्रेस के महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन कम सीटें दिए जाने से नाराज मुलायम गठबंधन से अलग हो गए। इसके बाद बिहार में तीसरे मोर्चे का गठन हुआ। तीसरे मोर्चे पर चुटकी लेते हुए बीजेपी ने कहा है कि बिहार चुनावों में जितने मोर्चे बनेंगे वो बीजेपी के लिए अच्छा ही होगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के मुताबिक बिहार चुनाव में उनकी पार्टी एक नंबर पर रहेगी। बीजेपी चुनावों में मुस्लिम लीग भी अपने 29 उम्मीदवार खड़े करेगी। मुस्लिम लीग सीमांचल और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार के मुस्लिम बाहुल इलाकों के साथ साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। बिहार चुनाव में आचार संहिता के दौरान चेकिंग कर रही पुलिस ने भागलपुर में 4 लाख, रोड़ी में 2 लाख, पीपैती से 1,58,000 और सियालपुर के पास करीब 60,000 रुपए जब्त किए। बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले अधिकारियों और कर्मचारियों को ईवीएम की ट्रेनिंग दी जा रही है। विपक्ष के रोक की मांग के बावजूद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो से 12वीं बार लोगों से अपनी मन की बात कहेंगे। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस जेडीयू ने प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम पर चुनाव आयोग से रोक लगाने की मांग की थी।
चुनाव आयोग ने मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण पर तो रोक नहीं लगाई, लेकिन कार्यक्रम में बिहार चुनाव के मतदाताओं को प्रभावित न करे जाने की शर्त जरूरत की है। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम के प्रसारण को न रोकने का फैसला सूचना प्रसारण मंत्रालय की अपील के बाद किया। चुनाव आयोग के फैसले पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस का कहना है कि मन की बात कोई लाभकारी योजना तो है नहीं, ये सिर्फ एक भाषण है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम करेंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीन अधिदेश के खात्मे पर अपनी जीत का जश्न मनाएगी। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में किसान सम्मान रैली का आयोजन किया है। कांग्रेस का दावा है कि रैली में 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठा हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे। 5 महीने बाद यह दूसरा मौका होगा जब कांग्रेस रामलीला मैदान से भूमि बिल के मुद्दे पर रैली करेगी। आज केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक दिन के अमेठी के दौरे पर है। ईरानी अमेठी और गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में किसानों को 50,000 पौधे बांटेगी। कांग्रेस ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को कानूनी नोटिस भेजा है। स्मृति को राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर किसानों की जमीन कब्जे के बयान को लेकर कांग्रेस ने नोटिस भेजा है। बिहार से रैली कर दिल्ली लौट रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के चार्टर्ड प्लेन का जयपुर जाना पड़ा। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक जाम होने के चलते राहुल का विमान उतर नहीं पाया। भारत में एलपीजी ग्राहकों को दी जाने वाली कैश सब्सिडी स्कीम की गिनीज बुक में सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम के तहत इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने भारत के दावों की जांच की और टीम ने अपनी जांच में यूएस और चीन में चल रही ऐसी स्कीम्स की अपेक्षा भारत के दावे को मजबूत पाया। भारत ने पहले स्कीम के तहत एलपीजी ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर खरीदने पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जिसका नाम पहले रखा गया है। और अब आईबीएन 7 की खबर के असर की आईबीएन 7 पर लखनऊ के एक दारोगा की गरीब पर अत्याचार की तस्वीरें दिखाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तुरंत हरकत में आए। सीएम ने देर रात लखनऊ के डीएम को बुजुर्ग टाइपराइटर के घर भेजकर एक नया टाइपराइटर दिलवाया और डीएम को बुजुर्ग टाइपराइटर को और भी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ में एक दारोगा ने जीपीओ के पास पटरी पर दुकान लगाकर पेट पालने वाले गरीब दुकानदार को उजाड़ दिया था, लेकिन हद तब हो गई जब उसने एक बुजुर्ग का टाइपराइटर तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग की बेबसी की तस्वीरें वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लड़कियों का रात भर बाहर रहना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। पिछले दिनों महेश शर्मा ने कई विवादित बयान दिए थे जिसमें औरंगजेब रोड का नाम अब्दुल कलाम रोड रखे जाने पर भी के बाद भी वो अपने बयान से पलट गए थे। गुजरात में पटेलों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को सूरत पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया, फिर देर रात जमानत पर रिहा कर दिया। हार्दिक पटेल शनिवार को पटेलों को इकट्ठा कर एकता यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने हार्दिक पटेल और उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए जाने के बाद हार्दिक ने गुजरात सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात पुलिस हिंसा चाहती है और पुलिस सबको परेशान कर रही है। आम आदमी को पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर नेता एचएस फुलका ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि पंजाब के ही पार्टी सांसद भगवत मान और धर्मवीर गांधी के बीच लीक हुई बातचीत के टेप में भगवत मान की तरफ से फुलका पर पार्टी में अलग गुट बनाने के आरोप लगने के बाद सामने आई थी। दिल्ली में डेंगू से अब तक 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 2000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए। यहां के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का आना सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार के सरकारी स्कूल की एक प्रधानाध्यापिका ने सातवीं कक्षा की छात्रा को उसके अभिभावकों के नाराजगी के कारण स्कूल से न सिर्फ बीच शैक्षणिक सत्र से निकाल दिया बल्कि उसके जमकर पिटाई की गई और टीसी में चरित्रहीन लिख डाला। टीसी को लेकर जब हंगामा होता तो प्रिंसिपल को अपनी गलती समझ में आ गई और उसने आनन फानन में छात्रा को पुनः प्रवेश दे दिया। इस मामले पर जब हरिद्वार के शिक्षा अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना है कि हमें मामला मीडिया के द्वारा पता चला है और हम मामले की जांच करा रहे हैं।
उत्तराखंड की राजधानी रांची में पुलिस वालों के प्रोग्राम का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में पुलिस वाले 500 के नोट भी हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो गुरुवार को विश्वकर्मा पूजा के दिन का है। इस प्रोग्राम में पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक प्रोग्राम की शुरुआत तो सही तरीके से हुई, लेकिन जैसे ही रात हुई पुलिस अफसर जवान बहकने लगे। मुंह में नोट दबाए इन पुलिस वालों ने भोजपुरी म्यूजिक पर नाचना शुरू कर दिया। एक पुलिस अफसर ने तो स्टेज से यह भी अनाउंस कर डाला कि अगली बार इस प्रोग्राम में मुंबई से प्रोफेशनल डांसर्स बुलाई जाएंगी। अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के सदस्यों देश के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। ये बैठक न्यूयॉर्क में 27 सितंबर को होनी है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर के पत्नी और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव और उनकी बहू डिंपल यादव के लोकसभा चुनाव के दौरान भरे गए शपथ पत्र में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। नूतन के मुताबिक मुलायम और डिंपल ने शपथ पत्र में अलग अलग जानकारी दी है। नूतन ने मुलायम ने बताया कि उन्होंने किसी को लोन नहीं दिया, जबकि डिंपल के शपथ पत्र के मुताबिक 5 लाख और अखिलेश यादव को और 3 लाख का लोन मुलायम से मिला है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई है। बारामूला के कुंजेर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लश्कर ए इस्लाम ने हिजबुल आतंकी को मौत के घाट उतारा। 3 आतंकियों को मार गिराया गया, जिसका आरोप हिजबुल पर लगा है। बदले में उसने भी हिजबुल आतंकी को मार गिराया। गुजरात सीमा के पास फायरिंग में शुक्रवार को मछुआरों की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। मछुआरा जिस नाव पर सवार था उसके संचालक ने कहा है कि नाव पर गोलीबारी पाक ने भी नहीं बल्कि घुसपैठियों ने की थी। शुक्रवार को गुजरात के तटीय सीमा द्वारका के पास भारतीय सीमा में घुसकर 2 नावों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक मछुआरे की मौत हो गई थी। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की फिल्म MSG 2 को पंजाब के कई जगहों पर नहीं दिखाने के विरोध में बाबा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। वहीं पंजाब के मोगा में हुसैनवाली नेशनल हाईवे पर डेरा समर्थकों ने लंबा जाम लगा दिया। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। ये फिल्म MSG का सीक्वल है। फिल्म का डायरेक्शन, प्रोडक्शन, एक्टिंग, म्यूजिक सब राम रहीम ने किया है। वहीं झारखंड सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम की फिल्म MSG 2 को राज्य में बैन कर दिया है। फिल्म में राम रहीम ने आदिवासियों को शैतान कहा था, जिस पर आदिवासी संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। महाराष्ट्र में ड्रग तस्करों ने अब तस्करी का नया तरीका खोज निकाला है। नए ट्रेंड के तहत लिपस्टिक में, कपड़ों में, मोबाइल में, बैटरियों में, चॉकलेट के डिब्बों में, लिफाफों में ड्रग्स की तस्करी हो रही है। तस्कर करोड़ों की ड्रग्स को पार्सल में छिपाकर कुरियर के जरिए एक देश से दूसरे देश या फिर एक शहर से दूसरे शहर भेज रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग के मुताबिक इस साल अब तक 60 से भी अधिक ऐसे लिफाफे और पार्सल्स पकड़े गए हैं। नारायण साई की पत्नी ने जेल में बंद नारायण साई के खिलाफ इंदौर के खरजाना थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पति नारायण साई और ससुर आजाराम पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं। नारायण साई की पत्नी ने पति पर, ससुर पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्रूरता का आरोप लगाया है। नारायण साई की पत्नी के मुताबिक जब उसे नारायण साई के दूसरी लड़कियों के साथ अवैध संबंधों के बारे में जानकारी लगी तो उसे चुप रहने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज की युवतियों पर मोबाइल रखने और जीन्स टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुस्लिम पंचायत के इस फरमान को मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के 10 से भी अधिक गांव में अमल में लाया जाएगा। मथुरा में नारी निकेतन में बड़ी संख्या में महिलाओं के भाग जाने की सूचना मिली है। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर 17 महिलाओं को बरामद किया। नारी निकेतन में रात करीब 3 बजे 2 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला और चौकीदार को घायल कर नारी निकेतन में बंद महिलाओं को भगा दिया। और ताला खुलते ही मौके से बड़ी संख्या में महिलाएं निकेतन से फरार हो गई। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सुरंग में फंसे 3 मजदूरों को 7 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम अंतिम चरण में है। अब 1 से 1.5 मीटर खुदाई होना बाकी है। अमिताभ बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या राय के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर अमिताभ और ऐश्वर्या ने वहां चल रहे आरती में भी भाग लिया।
बेंगलुरु में सड़क पर गड्ढे के कारण बाइक से गिरने से एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति के खिलाफ डेथ बाय नेग्लिजेंस का मामला दर्ज किया है। इंजीनियर ओम प्रकाश पत्नी सुमित को बाइक पर बिठाकर ले जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर में पुलिस वाले एक शराबी को बेदर्दी से पीट रहे थे। शराबी को पीटकर हवालात में डाल दिया गया। गुवाहाटी में असम गण परिषद और विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में राजभवन पर रैली निकाली। उत्तर प्रदेश के करीब 36 जिले सूखे की चपेट में आ गए हैं। इन इलाकों के किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट है कि धान की फसल को बचाने की। उत्तर प्रदेश सरकार दावे तो कर रही है लेकिन सरकारी नहरें और नल सूखे पड़े हैं। पुणे में 8 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश बारिश के चलते कटाई के लिए तैयार फसल के खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। श्रीनगर में 200 लड़कियां मार्शल आर्ट की चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही हैं। पेटलाबाद में ब्लास्ट के 89 मामले लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट भंडारण की चौकियों पर किए गए चेकिंग के दौरान हुए। जांच के दौरान रीवा में खाद्य आपूर्ति की टीम ने दबिश देकर एक किराए के मकान में गैस रिफिलिंग के कारखाने से 17 छोटे सिलेंडर और 5 व्यावसायिक सिलेंडर जब्त किए। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले जा रही क्रिकेट सीरीज के लिए आज चयन करता बेंगलुरु में T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम का चयन करेंगे। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका टीम 3 T20 5 वनडे और 4 टेस्ट मैच खेलने के लिए भारत के दौरे पर आ रही है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली भारत हालात में दक्षिण अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर को मेजबान टीम के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। गांगुली ने कहा है कि ताहिर स्थानीय स्पिनर हैं और वो भारतीय हालात में बेहद खतरनाक हो सकते हैं। डेविस कप में लियैंडर पेस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को शनिवार को खेले गए पुरुष डबल मुकाबले में चेक गणराज्य के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद चेक गणराज्य के डेविस कप विश्व प्लेऑफ में भारत के खिलाफ 2-1 की बढ़त हासिल कर ली। इंडिया ए और बांग्लादेश ए के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ए और बांग्लादेश ए को करारी शिकस्त दी गई लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल इसी हफ्ते लश्कर ए इस्लाम के